नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज हम आपको बताएंगे एक विशेष नोट के बारे में। जी हां, एक रुपए का नोट, इसकी वापसी हो रही है। क्या आपको याद है कि आपने एक रुपए का नोट लास्ट टाइम कब देखा था? कैसा था एक रुपए का नोट? शायद याद नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं कि कैसा था ये नोट और अब कैसा है, आपको यह भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि एक रुपए का नोट बहुत जल्द आपकी जेब में आने वाला है। वो आ रहा है वापस, लोग कर रहे हैं उसका स्वागत। सरकार ने किया उसे वापस लाने का फैसला, वो अब होगा आपकी जेब में। उससे नहीं होगी आपकी जेब भारी। अप्रैल में आ जाएगा वो मार्केट में, उसका लुक भी हो गया है चेंज, उसका साइज भी अब पहले से हो गया है बड़ा। आपका इंतजार हो गया है खत्म। पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें या तो बैंक में देखा जा सकता है, या फिर इंटरनेट पर, या फिर किसी बुजुर्ग ने संभाल कर रखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों में तो एक रुपए का नोट है, तो आपने सही पहचाना, क्योंकि ये एक रुपए का नोट ही है जो आज से 20 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक में आना ही बंद हो गया था। यानी हम यह कह सकते हैं कि 20 साल पहले इस नोट की छपाई सरकार ने बंद करवा दी थी, लेकिन आज यह नोट एक बार फिर से बहुत जल्द आपकी जेब में होगा। मैक्सिमम एक रुपया लोग उसकी कोई वैल्यू को समझता नहीं था, एक रुपए की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रही थी उसमें उनकी नज़र में, इसी करके। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसको फिर से समझा गया देश की सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, और भारतीय रिजर्व बैंक उसमें समय पर नोट जारी करता है, इसको इसकी जो है इसका जो महत्व है उसको समझा गया, और एक रुपए की फिर से एक कीमत लौट रही है। बड़ी खुशी की बात है, वरना आजकल के समय में तो ये कहते हैं कि एक रुपए से क्या आता है, एक रुपए से क्या होता है, एक रुपए की कोई चीज़ नहीं। एक रुपए का नोट अब मार्केट में वापस आ गया है, सरकार ने इसे दोबारा छापने का फैसला लिया है। 20 साल बाद एक बार फिर एक रुपए का नोट आपकी जेब में नजर आएगा। वहीं लोग भी इसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक रुपए का नोट वापस आना जरूरी था, क्योंकि इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। कि एक रुपए का नोट जो है लोगों के बहुत काम आता है, जैसे किसी भी फंक्शन में शगन देना है, कुछ भी देना है तो सिक्का डालना पड़ता है, जैसे 21 रुपया और 50 रुपया देना है, तो एक रुपए का नोट जो है देने में भी अच्छा लगता है और लेने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, तहे दिल से स्वागत करते हैं हम एक रुपए का। गौर है कि 20 साल बाद केंद्र सरकार ने इस एक रुपए के नोट को वापस लाने का निर्णय लिया था, और अब बहुत जल्द भारतीय बाजारों में यह आ जाएगा जिसका लोग स्वागत कर रहे हैं। के चैनल के लिए विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।